उत्तराखंड के चमोली में आई भारी तबाही, मंजर देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है और चमोली नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोर जोन में स्थित ग्लेशियर टूटने की वजह से रैणी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया। हादसे में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। पानी के बहाव में कई घरों के बहने की भी आशंका है। इसी के चलते गंगा किनारे के सभी इलाके खाली कराए जा रहे हैं। लोगों से सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही डराने वाली हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो रहा हूं। मेरी सभी से विनती है कि कृपया कोई भी पुराने वीडियो को शेयर कर अफवाह न फैलाएं। स्थिति से निपटने के सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं, आप सभी धैर्य बनाए रखें। आपको बता दें कि SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही ITBP के जवान भी राहत के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। ग्लेशियर फटने की वजह से कई घरों के बहने और लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद एहतियात के तौर पर हरिद्वार समेत कई जिलों में अलर्ट जारी हो गया है। हरिद्वार के DM ने खतरे को देखते हुए गंगा के किनारे के इलाकों को खाली करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसी महीने से हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत होने वाली है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच इस आपदा ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। देखना होगा कि प्रशासन स्थिति को कितनी जल्दी संभालता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।